और आई एम सुपर एक्साइटेड। अपना एक फैन मिल गया था और उन्होंने हमें खाना खिलाया। हमने एक्चुअली प्लास्टिक लिया है, जो हरासमेंट के जुमरे में आती है वो फेस करनी पड़ती है। इन पत्थरों से आग जलती है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं एक पार्क में, तो मैं आपको आज विजिट करवाती हूँ मीरपुर का एक खूबसूरत सा पार्क। सो लेट्स गो विद मी। यहाँ पे अब हम लोगों ने जाना है आगे डैम की तरफ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आई एम सुपर एक्साइटेड, मतलब मैं फर्स्ट टाइम डैम देख रही हूँ ना, इसलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। रास्ता यहाँ से जाता है, ये शायद आगे कहीं जाता है। और देखो अभी सूरज डूब रहा है और कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। इस साइड पे है डैम जहाँ पे हम लोग आए हैं। इस साइड पे देखें, यहाँ पे खाने पीने के लिए बना हुआ है, आप यहाँ पे जा सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एक्चुअली गाइस, दो दिन के बाद मैंने यहाँ से चले जाना है वापस पुंछ अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो सो मेरे पास टोटल आज का दिन है और कल का दिन है, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डैम को देखने जाऊँ और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ से पानी इतना मज़े का नज़र आ रहा है गाइस, कि मुझे पानी के अंदर लिटरली 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं। आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मुझे रियल आंखों से उसके अंदर 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं। इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है। वो देखो गाइस, वो सूरज का जो अक्स है वो पानी के अंदर लग रहा है, और लिटरली इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है कि एनीबॉडी कांट इमेजिन। ये जो गाइस, ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों से आग जलती है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी लाइट है यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं ये दो पत्थर लेके घर चलती हूँ और मैं वहाँ पे आपको इनमें से रात को आग जला के बताऊँगी। इनमें से आग जलती है, ये वाले जितने भी पत्थर हैं, ये वाले ये हमारे घर के पास होते थे, इसलिए मुझे इनके बारे में एक्सपीरियंस है। तो गाइस, कुछ लोग यहाँ पे पानी के अंदर नहा रहे हैं और यहाँ पे भी बच्चे हैं जो खेल रहे हैं पानी के अंदर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है, शायद इतना डीप नहीं है इसलिए ही इसके अंदर जा रहे हैं। यार मैंने शूज़ पहने हुए और मैं यहाँ से ऐसे ही रखूँगी पाँव, फिर यहाँ से ये रखूँगी और फिर इसके मैं अंदर जाऊँ। वहाँ से हम लोग ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। ये इस वाली जगह पे हम आ गए। ये देखो गाइस, यहाँ से आपको पूरा एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे मीरपुर के तकरीबन 200 तक जो देहात थे, जो गांव थे, जो इस मीरपुर डैम के अंदर आ गए थे जब यहाँ पे ये डैम बना था। और यहाँ से फिर लोग माइग्रेट करके फॉरेन कंट्रीज़ में चले गए थे। मोस्टली जो यहाँ से गए थे वो बरतानिया में गए थे। गाइस आज भी मतलब इस डैम के अंदर कभी कभी उन लोगों की बाकियात नज़र आती हैं जो यहाँ पे रहते होते थे, और उसके बाद न्यू सिटी जो तामीर हुआ था और जहाँ पे अभी हम रहते हैं या जहाँ पे अभी सिटी आबाद है वो। यहाँ पे देखो ये खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है, और ये जो पानी है यहाँ का वो मोस्टली वो नीला है, ग्रीन कलर का है, नीला नहीं है, ग्रीन कलर का है। देखो पानी के ऊपर से ये कलर का जो रिफ्लेक्शन है कितना प्यारा है। तो गाइज यहाँ पे सोलर पैनल लगाए हुए हैं, और ये वाले पैनल किसके लिए हैं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको है तो मुझे भी बता देना कि ये वाले जो पैनल हैं वो क्यों लगाए हुए हैं, और ये तो सोलर वाले पैनल है। देखो बहुत सारे लोग हैं जो डैम के अंदर हैं, और वहाँ पे वो देखो। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताती हूँ कि जो डैम होता है ना वो एक्चुअली ये डैम नहीं होता, ठीक है। जो डैम होता है तो वो होता है कि जिस जगह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब जो टनल लगे होते हैं उन टनल के अंदर से जब वाटर फ्लो करता है उस जगह को डैम कहते हैं। ये जो जगह है ना इसको डैम नहीं कहते, ये पानी को स्टोर किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोड्यूस होती है इसलिए डैम उसको ही कहते हैं। और मेरे पीछे देखो उस कश्ती का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, इसलिए मैं आपको फिर मिलती हूँ जब ये वहाँ यहाँ से दूर चली जाएगी। तो सूरज डूब गया, हम लोग नीचे आए हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ बोट्स वगैरह। तो गाइज हमने डैम घूम लिया है। एक्चुअली इस जगह पे इतनी ज़्यादा हबस हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि ये देख सकते हो आप, मेरा फेस इतना ज़्यादा ऐसे चिपचिपा सा हो रहा है, मतलब मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे एक्चुअली पानी की वजह से, इस वजह से शायद हो रहा है, लेकिन बहुत गर्मी है। अभी हम लोग साथ वाले पार्क में चलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा घूमते हैं और फिर उसके बाद हॉस्टल वापस चलेंगे। गाइस वो देखो वहाँ पे वो मंगला टावर है, ये है आसफा भुट्टो पार्क मीरपुर। ने लिए हैं जी 120 के 4 टिकट और अब हम लोग जा रहे हैं आसफा भुट्टो पार्क के अंदर। वाह ये कितनी खूबसूरत है, और ये भी बोगियाँ हैं, इनके ऊपर आप बैठ सकते हो।
और यहाँ से अंदर ये एंट्रेंस है। देखो यहाँ पे कितनी खूबसूरत चीजें बनी हुई हैं। गाइस वो देखो, वो देखो, वो देखो, आपको नजर आ रही है ये ग्लेट। ये देखो गाइस, ये हाथ बना हुआ है जो दुआ कर रहा है। देखो गाइस, हमने पानी लिया है, बट ये पानी नहीं लिया हमने, एक्चुअली प्लास्टिक लिया है। प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, बट ठीक है हम लेते हैं इसको। गाइस हम पानी लेते लेते लेट हो गए, तो बोट चली गई है, तो अभी हम देखते हैं दोबारा से अगर मिल जाए। बिन में डाल रही हूँ। ये देखो ये कितना खतरनाक है, मतलब इस तरह से मुझे चक्कर आते हैं बैठ के। वैसे मैं एडवेंचरस हूँ, बट इस पे बैठ के मुझे हमेशा से चक्कर आते हैं, क्योंकि अगर बंदा डाउन फील कर रहा है तो उतरे कैसे, वही रुकता भी नहीं है टाइम से। यहाँ पे ड्रैगन्स पे बैठ रहे हैं, तब तक मैं वहाँ से घूम कर आती हूँ। गाइस ये ऊपर से नीचे तक आता है, लेकिन ये मुझे बहुत खतरनाक लगती है सारी चीज़ें। तो देखो चांद। तो गाइस मैं एक्चुअली बता रही थी आपको कि मेरा जो दो, मतलब मेरा एक दिन यहाँ पे बाकी है, तो कल मैं आपको यूनिवर्सिटी विज़िट करवाऊँगी और फिर उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। बट क्या पता मैं फिर कब यहाँ पे आऊँ, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पे आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं वो विज़िट करवा देती हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे खुद भी करनी थी। मैं फॉर दी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ मीरपुर में, तो इसलिए मुझे भी था कि मैं भी ये सारी चीज़ें घूमने के लिए जाऊँ और देखने के लिए जाऊँ। सो मैंने देखी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मीरपुर का मेरा जो सफ़र था और जो मेरी हॉस्टल की लाइफ थी और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। सो आप लोग भी अगर कभी आओ तो इन्जॉय करो मेरी तरह, और मुझे भी बताओ। गाइस हम यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए, इसकी स्टोरी मैं आपको बाहर चल के सुनाती हूँ क्या क्या हुआ यहाँ पे, हम क्यों आए हैं। और पहले हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। आ चुका है खाना, खाना खा के फिर मैं आपको मिलती हूँ। गाइस हमने खाना खा, तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग खाना खा के आ चुके हैं, अभी हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। आज हम फिर आसपा वोटो पार्क में आए हैं, लेकिन एक्चुअली कल दो जगह रह गई थी, क्योंकि हम लोग रात को बहुत लेट हो गए थे उस वजह से। तो वो दो जगह मैं आज आपको कवर करके दिखाती हूँ। इधर से चले, मैं कहती हूँ वहाँ से चलते हैं, वहाँ से घूम के फिर आते हैं वहाँ से नीचे। हेलो गाइस, ये हमने यहाँ से प्राइस ली है जो कि 100 रुपीज़ के, आधा आलू भी उन्होंने हमें डाल के नहीं दिया। गाइस हम गलत रास्ते पे आ गए। एक्चुअली हम लोग इस रास्ते से आए थे और ये नीचे जो ट्रैक आता है तो वहाँ पे आगे हमने सोचा कि पार वाली हम जो वॉल पे जा रहे थे ना वहाँ पे पहुँचेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता ही नहीं है, बंद किया हुआ। तो फिर हम इसके रास्ता ये नहीं था, फिर हम यहाँ से ऊपर चढ़े हैं और अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ ऊपर आए हैं, यहाँ से आप पूरे डैम का व्यू देख सकते हो। और इस वॉल पे जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से जाओगे, तो इसलिए हम लोग रास्ता भटक के वहाँ नीचे से चले गए थे। यहाँ देखो आप, ये पूरा एरिया ये इतना बड़ा है, यहाँ पे एक्चुअली ये पार्क काफ़ी बड़ा है। तो हम ये पूरे रास्ते से घूम कर आए हैं, अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब अंधेरा होने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको दिखा नहीं सकूँगी। गाइस हम बैठते हैं बग्घी पे और यहाँ हम बैठे हैं बग्घी पे। ओह माय गॉड, ये देखो जी ऐसे करके बग्घी चलती है, जो पहले दौर में दूल्हा और दुल्हन के लिए इस्तेमाल होती थी। अंकल पहले दौर में बग्घी किस लिए इस्तेमाल होती थी? तो पहले दौर में ये दूल्हा और दुल्हन के लिए इस्तेमाल करते थे ना। ये शाही सवारी है, आपने भी किया है कभी? हाँ, रोड काफी खराब है और उस वजह से हमें काफी जंप लग रहे हैं, ये देख सकते हो। यहाँ आकर बैठी हूँ, आपको आवाज आ रही है? शायद आ रही है या नहीं आ रही है, आई डोंट नो, बट लेट मी चेक, आपको बात बताती हूँ। तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि हम लोग वहाँ से घूमकर ऊपर गए, तो हमें रास्ता नहीं मिला उस वॉल पे जाने के लिए। एक्चुअली वहाँ वो जो सामने पार रोड नज़र आ रही है ना, वो वहाँ पे जाती है, तो वो वाली रोड अभी क्योंकि अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में वो वाला व्यू वैसे भी नज़र नहीं आएगा। तो फिर हम लोगों ने वो प्लान कैंसिल कर दिया। फिर कभी मेरा यहाँ पे आना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं आपको बताऊँ कि टुडे इज़ माय लास्ट डे। तो आज मैं हॉस्टल हूँ और कल मैं अपने घर होंगी और मैं अपने घर जाके आपसे मिलूँगी। और बस यहाँ तक था मेरा यहाँ का सफ़र, और बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा रहा। तो आप लोगों को भी मैंने वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जो मैंने देखी,
चूँकि फर्स्ट टाइम मेरा भी था इसलिए। गाइज ये यहाँ के पार्क का एक रिजॉर्ट है और वहाँ पे मुझे अपना एक फ्रेंड मिल गया था और उन्होंने हमें खाना खिलाया है, डिनर करवाया है और मैं उनको ऑलरेडी बोलती हूँ थैंक यू सो मच। हम तकरीबन 5 गर्ल्स थी और हमने यहाँ पर डिनर कर किया था और बहुत ही टेस्टी था। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि जो पब्लिक पार्क होते हैं ख़ास करके कश्मीर के अंदर या मोस्टली पाकिस्तान के अंदर, उनका एक ड्रॉबैक मैं आपको बताती हूँ। उनका ड्रॉबैक यहाँ पे यह होता है ना कि जितनी भी गर्ल्स होती हैं ना, खास करके जो लड़कियाँ आ रही होती हैं ना, उनके लिए थोड़े से इश्यूज़ होते हैं। मतलब वो सेफ़ ख़ुद को फील नहीं कर रही होती हैं ऐसी किसी भी प्लेस पे जाके, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें जो हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। उनमें से कमेंट करना आप पे या आप घूरना या इस तरह से बहुत सारे ऐसे वाक़ात होते हैं जो हरासमेंट के केस में आते हैं। तो उस तरह के ऐसे वाक़ात देखने को मिलते हैं ख़ास करके जो जितने भी पब्लिक पार्क हैं उनके अंदर आप सेफ नहीं फील कर सकते। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मोस्टली जो गर्ल्स आती हैं वो कभी अकेली नहीं आ रही होती, फैमिलीज़ के साथ आती हैं।